हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ सलेन, टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10 इन हिंदी मीडियम। आज का वीडियो हमारा थर्ड पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। चलते हैं पहले टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है प्रणालिका। तो आपको क्या पढ़ना है, ये प्रणालिका पढ़नी है। और प्रणालिका का मैंने डायग्राम भी दिया है। इस डायग्राम को मैं समझाता हूँ। जो आपको यहाँ ब्लैक कलर की क्रोड दिख रही है, ये विद्युत रोधी बेलनाकार क्रोड है। उसका आकार कैसा है, बेलनाकार है, इसलिए विद्युत रोधी क्रोड है। इसे हम पदार्थ बोलते हैं। ये क्रोड होती है क्षण। इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये तांबे के तारों को लपेटा गया है। तांबे के तार को तन करके लपेटते हैं। तो इसको लपेटने के बाद जो आकृति बनती है, यही हमारी क्या कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रणालिका। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रणालिका कहते हैं। जो आपको ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए आपको ये दिख रहा है, जो ब्लैक कलर की रॉड है, इसी को हम विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ की बेलनाकार क्षण बोलते हैं। और इस पे तांबे के तारों को लपेटा गया, जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बस ऐसे लपेटा जाता है। जो क्रोड बनती है, ये हमारी क्या होती है, प्रणालिका होती है। तो आपको स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन भी दी है, देख सकते हैं। यदि किसी विद्युत रोधी बेलनाकार पदार्थ पर, दिख रहा है ना, विद्युत रोधी बेलनाकार पदार्थ दिख रहा है, फिर उसके ऊपर क्या किया गया है, तांबे के तारों को कुंडली नुमा रूप में लपेट दिया जाए, तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। तो सिंपल सा जो आपको डायग्राम पे दिख रहा है, बस वही उसकी डेफिनेशन है। क्या बोला, किसी विद्युत रोधी, क्या बोला, विद्युत रोधी अचालक, बोल अचालक ही बोल सकते हैं, अचालक पदार्थ की बेलनाकार क्षण। तो क्या बोलेंगे, किसी विद्युत रोधी बेलनाकार पदार्थ, बेलनाकार पदार्थ पर हमने क्या किए हैं, ये तांबे के वायर को इस पर टर्न किया है, ऐसे लपेटा है, ठीक है ना। तो इस पर जब हम लपेटेंगे तो हमें क्या बनेगी, एक आकृति बनती है। इसी व्यवस्था को हम प्रणालिका कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, प्रणालिका। प्रणालिका क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अचालक पदार्थ की। अचालक पदार्थ कौन सा है, इसमें विद्युत रोधी, ये जो ब्लैक कलर का अंदर एक रॉड दिख रही है ना, वायर्स टर्न है कुंडली नुमा, तो इसमें टर्न है, बीच में ब्लैक कलर की रॉड दिख रही है, विद्युत रोधी है। अब वो विद्युत रोधी पर हमें तांबे के तारों को लपेटना है, और लपेटने के बाद जो व्यवस्था बन जानी है, इसी व्यवस्था को हमें प्रणालिका कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र, मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, देखिए हेडिंग में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो आप जानते हैं चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। I क्या होती है यहाँ पर, धारा। B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। L क्या होती है यहाँ पर, लंबाई। और साइन थीटा, थीटा क्या होता है, चालक का चुंबकीय क्षेत्र से कोण। क्लियर। तो आपसे कोई पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसके न्यूमेरिकल भी आपको बहुत कराए हैं ऑडियो थ्रू, अब ये रिवीजन चल रहा है, तो इस पर आप देख सकते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। F क्या है, बल है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में लगता है। I क्या है, विद्युत धारा है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चालक रखा गया है। L क्या है, चालक की लंबाई है। साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है। चलते हैं स्क्रीन पर, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, आपको पता है ना कि विद्युत धारावाही, मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, देखिए इस लाइन को मैंने, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, जब तक किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में नहीं लाओगे, उस पर बल कार्य नहीं करेगा। तो वही बोला गया है, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो इस पर कौन कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। ये डिपेंड करता है वस्तु में धारा की दिशा पर, कि धारा की दिशा उस चालक पर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन बदलेगी तो
बल का प्रकृति भी बदलेगा, बल का नेचर भी चेंज होगा, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वो दो प्रकृति का होता है, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण, अट्रैक्ट और रिपेल, वो दोनों कर सकता है। लेकिन यहाँ पर करंट के अकॉर्डिंग जो बन रहा है विद्युत धारा, तो ऑस्टेड ने बताया था कि किसी भी चालक में करंट फ्लो करोगे तो चुंबक बन जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो वो चुंबक और चुंबक हो जाएंगे, जो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं, प्रतिकर्षित हो सकते हैं। लेकिन हम जब चालक में धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, उसमें बदल जाएगी, जिससे आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इस धारावाही चालक पर बल की दिशा, धारावाही चालक में जो बल लग रहा है वो बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। कैसे, हम बाएं हाथ के नियम से कैसे करेंगे, बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। आपको ये मेन लाइन है, आपको लर्न करनी है, इसको माइंड में रखना है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की जो दिशा होती है वो किस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। एनी कॉलम लेफ्ट हैंड से फाइंड किया जाता है, और चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, क्लियर। इसको नोट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको स्क्रीन पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वन वर्ड दिख रहे हैं, आपको इनको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। विद्युत चुंबक में क्रोड समानतया किसका बना होता है, कच्चे लोहे का, किसका बना होता है, जो विद्युत चुंबक में जो क्रोड होती है वो किसकी बनी होती है, कच्चे लोहे की, किसकी बनी होती है, कच्चे लोहे की। अभी देखा था चालक पदार्थ, मैंने बताया था प्रणालिका में किसकी बनी होती है, कच्चे लोहे की, ब्लैक कलर की रोड जो होती है बेलनाकार, वो कच्चे लोहे की बनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है, कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की, ऑस्टर्ड ने की, किसने की, ऑस्टर्ड ने, मतलब विद्युत और चुंबकत्व, मतलब कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करें और चुंबक गुण आ जाएं, तो जो विद्युत धारा और चुंबक के बीच में जो संबंध लाए वो कौन लेकर आए थे, ऑस्टर्ड लेकर आए थे। एंड फोर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं WB से, जैसे किलोग्राम को हम kg से करते हैं वैसे वेबर को हम WB से करते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, बताइए। एक हमारे पास चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चालक तार हो मतलब बेलनाकार छड़ हो या चालक हो जिसके पास लेंथ होगी, उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो धारा प्रवाहित होगी उसकी चारों ओर वृत्ताकार होगी, कैसी होगी, चालक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में होगी, क्लियर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा के संसूचन के लिए किस संसूचक का उपयोग किया जाता है, मतलब कि किसी भी परिपथ में धारा का प्रेजेंटेशन देखना है, उसमें धारा है या नहीं है, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, धारा की उपस्थिति को बताता है, वो धारा की उपस्थिति उसमें कितनी है, क्या है, तो वो बताता है गैल्वेनोमीटर, क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर। आई रिपीट, विद्युत चुंबक में क्रोड किसकी बनाई जाती है, कच्चे लोहे की बनाई जाती है। हमारे घरों में जो उदासीन तार में विद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, और विद्युत और चुंबकत्व के बीच में जो संबंध बताया था कि हम विद्युत से कैसे चुंबक बना सकते हैं, वो हमारे किसने बताया था, ऑस्टर्ड ने। फिर हमारे पास इसी चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स भी मैंने बताया है, किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसे फाई से डिनोट करते हैं। अब इसके मात्रक की बात आती है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर
तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बता हमें बताऊंगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसकी डायरेक्शन चालक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में होगी और इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन बदलने से बदलती है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉक वाइज हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके पास, ये जो है नेक्स्ट, किसी विद्युत में परिपथ में धारा के संसूचन के लिए किस संसूचक का उपयोग, संसूचन मतलब कि उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, उसकी उपस्थिति बताने के लिए कि उसमें करंट है या नहीं है, तो कौन बताता है, वो गैल्वेनोमीटर। क्लियर।